हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्बिट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ JWT ऑथेंटिकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट। सो किस तरीके से हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक कर सकते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग JWT ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट वे में एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ इस कोर्स में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दैट इज़ माई गारंटी कि आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत कुछ सीख के गए हैं इस कोर्स के थ्रू। सो JWT ऑथेंटिकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट। सो ये जो नोट्स है, इस नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट ये नोट्स आपको तभी काम आएगा जब आप प्रॉपरली हर एक कंसेप्ट को समझेंगे इस वीडियो के थ्रू, प्लस जो भी सोर्स कोड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसको मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपडेट कर दूंगा एंड उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं वीडियो पे एंड डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो JWT ऑथेंटिकेशन, तो हम लोग टोटल 10 स्टेप्स है जो कि फॉलो करने वाले हैं एंड इस 10 स्टेप्स फॉलो करने के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो स्टेप बाय स्टेप हर एक डिपेंडेंसी का यूज़ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो पहला स्टेप से हमारा क्रिएट बेसिक REST API दैट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट और एनी अदर। यानी एक हमें पहले सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा REST API का, यानी कि एंड पॉइंट को एक्सेस करेंगे और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ यूजर्स हम लोग रिटर्न करेंगे। तो हम लोग जाते हैं इंटरजी ID में एंड यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर हम लोग दे देंगे JWT ऑथेंटिकेशन एग्जाम्पल। ठीक है, देन लैंग्वेज रहेगा मेरा जावा, टाइप हमें सेलेक्ट करना है मैवन ध्यान से एंड ग्रुप जो रहेगा उसको मैं कर देता हूँ कोडमिथ। पैकेज का नाम हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं एंड जावा रहेगा हमारा 17, पैकेजिंग रहेगा 4। ये सब करने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो लेटेस्ट स्प्रिंग बूट का वर्जन है वो है मेरा 3.2.0। हो सकता है आपका कोई और वर्जन रहेगा, यानी कि हम लोग जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट का 3 वर्जन एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी का 6 वर्जन। ठीक है, देन यहाँ पर हमें 2 डिपेंडेंसी यूज़ करना है, पहला स्प्रिंग वेब का एंड दूसरा लंब, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग इसको क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर न्यू विंडोज़ पे क्लिक करना है एंड पीछे वाला विंडोज़ में बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक्सपांड करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो डिपेंडेंसी था उसमें 2 डिपेंडेंसी हमारा इंपॉर्टेंट है REST API को क्रिएट करने के लिए। पहला तो वेब डिपेंडेंसी एंड लॉम्बो का यूज़ जो है हम लोग करेंगे फॉर गेटर एंड सेटर और कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे सोर्स कोड में आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर pom.xml के अंदर चेक कर लेंगे कि जो भी डिपेंडेंसी हमने मेंशन किया था वो प्रेजेंट है कि नहीं, प्लस इसको थोड़ा हम लोग एक्सपांड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है, इसमें जाएंगे हम लोग तो हमारा मेन क्लास फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एक बार हम लोग प्रोजेक्ट को रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी प्रॉपरली हमारा लोड हो गया है, यहाँ पे हम लोग बिल्ड प्रोजेक्ट कर लेते हैं जिससे हमारा टेस्ट केस फाइल जो है वो हमारा बिल्ड हो जाए, टारगेट फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग जो है फर्स्ट हम लोग एक REST API क्रिएट करेंगे, बेसिक REST API। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट बेसिक REST API दैट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मॉडल क्रिएट करूँगा जिस पैकेज का नाम रहेगा मेरा, यहाँ पे आते हैं पैकेज मॉडल एंड यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एम्प्लॉय। ठीक है, सो इस मॉडल पैकेज के अंदर एक हम लोग क्लास फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा मेरा एम्प्लॉय एंड यही एम्प्लॉय हम लोग रिटर्न करेंगे जब हम लोग एंड पॉइंट हिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करना फटाफट, प्राइवेट स्ट्रिंग ID कर देंगे, प्राइवेट एंड स्ट्रिंग नेम कर देंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल कर देंगे। ठीक है, तो टोटल 3 प्रॉपर्टी हमने क्रिएट कर लिया। फटाफट इसका हम लोग गेटर सेटर क्रिएट करते हैं और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। सो @getter @setter @allArgument constructor @noArgument constructor @toString।
ठीक है, टोटल 5 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अभी क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे पैकेज करके, एंड इस कंट्रोलर के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे होम कंट्रोलर करके। ठीक है, इसका यूज़ क्या है चिंता मत कीजिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। होम कंट्रोलर तो बेसिकली हम लोग सिंपल एक REST API डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, REST कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन इस होम कंट्रोलर तक आने के लिए पाथ हमारा क्या रहेगा वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा @ रिक्वेस्ट मैपिंग एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर मैं दे दूँगा यहाँ पे वेलकम। ठीक है, देन मैं जो है एक जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिंपल सा मेथड क्रिएट करूँगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड, गेट मैपिंग के अंदर यहाँ पे मैं कर दूँगा स्लैश होम करके, जहाँ पर मैं नॉर्मल एक स्ट्रिंग रन कर दूँगा। जब मैं ये एंड पॉइंट हिट करूँगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट होम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर मैं कर दूँगा रिटर्न होम पेज। ठीक है, और वेलकम टू REST API मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सबसे बेस्ट। अभी के लिए करता हूँ वेलकम टू REST API JWT कोर्स। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि पोस्टमैन के थ्रू जब हम लोग ये एंड पॉइंट हिट करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग एज अ रेस्पॉन्स बॉडी में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इस क्लास फाइल को हम लोग रन करते हैं और आपको पता रहेगा कि हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है 8080 पोर्ट पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। तो अगर ये पोर्ट चेंज करना रहेगा तो हम लोग यहाँ से जाके एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में वो चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी पोर्ट आप यूज करना चाहेंगे। तो मैं आता हूँ पोस्टमैन में, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारा था गेट, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा था गेट मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा गेट करके, यहाँ पे करेंगे हम लोग लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश वेलकम स्लैश होम, एंड यहाँ पर जब हम लोग सेंड करेंगे तो हमें रेस्पॉन्स में वेलकम टू REST API JWT कोर्सेस यहाँ पे हमें मिल चुका। तो अभी देखिए ये एंड पॉइंट जो है हमारा सिक्योर नहीं है, यानी कि जब हम लोग इसे वेब पेज से एक्सेस करना चाहेंगे तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर ये लिंक आपके पास है, ये लिंक मेरे पास है, तो इस एंड पॉइंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये तो हमारा एक सिंपल स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास डेटा भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक लिस्ट रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो आप एम्प्लॉय लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग अभी क्लियर निकाल देंगे, तो उसके पहले हम लोग एक सर्विसेज क्रिएट करते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हम लोग लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैसे रिटर्न कर सकते हैं, कैसे उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डेटाबेस के साथ। तो अभी के लिए मैं एक हार्ड कोडेड लिस्ट क्रिएट करूँगा एंड उसको मैं वेब पेज पे दिखा दूंगा या फिर हम लोग पोस्टमैन के रिस्पॉन्स पे दिखा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं करता हूँ एक पैकेज क्रिएट सर्विस करके, जिसका नाम रहेगा मेरा एम्प्लॉय सर्विस। क्या रहेगा मेरा नाम, एम्प्लॉय सर्विस, एंड इस एम्प्लॉय सर्विस को पहले हम लोग डिनोट कर देते हैं @ सर्विस एनोटेशन से। इससे क्या होगा, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो इसके वेरिएबल्स को लोड कर लेगा। तो मैं करूँगा प्राइवेट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड देन emp list इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सेम चीज़ ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओपन एंड क्लोज बंद, एंड देन ये लिस्ट के पैकेज को हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, एरे लिस्ट को हम लोग कर लेते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पब्लिक एम्प्लॉय सर्विस, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट में 2 या 3 जो है हम लोग एम्प्लॉय ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे आपको पता रहेगा, हम लोग करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड एंड यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग जो है एक रैंडम वैल्यू जो है वो स्टोर कर देंगे, UID.RandomUID.toString। एंड देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय में आते हैं, दूसरा है हमारा एम्प्लॉय के अंदर नेम एंड देन ईमेल। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिसब एंड ईमेल में डाल देता हूँ मैं रिसब @gmail
gmail.com, कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, gmail.com। फिर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी करूँगा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सपोज रितेश, सेम चीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसी चीज़ को हम लोग जो है रिटर्न कर देंगे। तो कैसे करेंगे, होम कंट्रोलर में जो एम्प्लॉय सर्विस मैंने क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यानी कि ऑटो वायर करूँगा। तो मैं करूँगा प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस को इम्पोर्ट एम्प्लॉय सर्विस, और इसको मैं ऑटो वायर करने के लिए यूज़ करूँगा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का, और एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके यहाँ पर जो है मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा जहाँ से मैं रिटर्न करूँगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय लिस्ट। एंड हमें क्या रिटर्न करना है, ये लिस्ट, बिकॉज हमने इसके अंदर जो है वैल्यू सेव किया है। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न एम्प्लॉय लिस्ट, दैट्स इट। इतना हमारा कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी सेम मेथड को मैं यहाँ से होम कंट्रोलर से कॉल कर दूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिटर्न एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट, मैं इसको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं इसका रिटर्न टाइप चेंज करूँगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से, बिकॉज जो गेट एम्प्लॉय लिस्ट है वो रिटर्न कर रहा है मेरा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ तक कोड आपको समझ में आ गया रहेगा। मैं इसका एंड पॉइंट चेंज कर देता हूँ एम्प्लॉय करके, ठीक है। सो एंड पॉइंट चेंज किया, वेलकम एम्प्लॉय, इसका मैं कर देता हूँ गेट एम्प्लॉयज लिस्ट, डन। इतना मेरा कोड कंप्लीट हो गया, इसको बंद करते हैं अभी के लिए, कुछ भी इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप SLF4j का लॉगर भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कर दूँगा लॉग डॉट इनफो, यहाँ पे कर दूँगा गेट एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अप्लीकेशन को आइदर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से जो आइकन है प्ले का वहाँ पे क्लिक करके अप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वेब पेज से भी और पोस्टमैन से भी हम लोग इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे। तो ये मेरा एंड पॉइंट है एम्प्लॉयज करके, सो लेट्स सेंड दिस वन। देखिए यहाँ पर मुझे एक रेंडम UID जनरेट हो गया, नेम जो है ऋषभ है, ईमेल जो है मुझे मिल चुका, तो प्रॉपर डिटेल्स मुझे मिल रहा है। जितनी बार हिट करूँगा देखिए यहाँ पे क्या है, C2 है। सो अगर मैं सेंड करता हूँ तो एक C2 आ रहा है, E6 आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो वैल्यू है एक एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जो क्रिएट हुआ है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अभी मैं सेम एंड पॉइंट को अगर मैं वेब पे से एक्सेस करूँगा तो भी मेरा एक्सेसिबल हो जाएगा और यहाँ पर भी मुझे JSON रिटर्न करके मिल रहा है। बट कैसा है कि ये जो है इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है, तो सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है क्या करेंगे हम लोग, फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग जो है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी का यूज़ करेंगे। सो इसको हम लोग करते हैं कॉपी, जाएंगे अपने सोर्स कोड में, pom.xml ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके मैवन डिपेंडेंसी को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी हमारा लोड हो जाएगा, और देखिए हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो जस्ट मैं अप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ और सेम एंड पॉइंट को मैं करूँगा रिफ्रेश, देखते हैं हमारा क्या बिहेवियर में मिलता है, ठीक है। और इस अभी के लिए जो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है उसको इग्नोर कीजिए। मैं जाता हूँ वेब पेज पे और सेम एंड पॉइंट को मैं करता हूँ वापस एंटर। देखिए यहाँ पे मुझे क्या होगा, प्लीज़ साइन इन, जस्ट बाय एडिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे साइन इन करने के लिए मांग रहा है। अभी हमारे पास डिटेल्स तो प्रेजेंट है नहीं, तो कैसे हम लोग इस एंड पॉइंट को एक्सेस करेंगे। तो आपने कंसोल में एक चीज़ देखे रहेंगे, यहाँ पर हमारा है यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, यानी कि जब हमारा एप्लीकेशन में कोई भी यूजर नेम पासवर्ड को हमने क्रिएट नहीं किया रहेगा उस टाइम पे हम लोग ये पासवर्ड यूज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में लॉग इन करने के लिए। और जो यूज़र नेम रहेगा वो मेरा रहेगा यूज़र, एंड पासवर्ड जो मैंने कॉपी किया यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, एंड देन साइन इन पे क्लिक करूँगा, मेरा एंड पॉइंट एक्सेस हो जाएगा। सेम चीज़ को मैं जो है पोस्टमैन से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे हम लोग, जाएंगे ऑथराइजेशन, यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़र है यहाँ पे, एंड पासवर्ड में मैं सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दूँगा, एंड सेंड पे क्लिक करूँगा, देखिए मुझे यहाँ पे मिल चुका। सपोज मैं यूज़र नेम में कुछ और डाल देता हूँ और सेंड करता हूँ, तो देखिए अनऑथराइज आ रहा है। अभी देखिए सेम चीज़ को मैं वेब पेज पे क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, देखिए मुझे एंड पॉइंट क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है।
बट इस चीज़ को लॉगआउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो वेलकम है ना स्लैश लॉग आउट और इस पर क्लिक करूँगा। देखिए ये इनबिल्ट एचटीएमएल पेज, हमने पेज कोई क्रिएट नहीं किया, आप देखे रहेंगे। जैसे मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँगा, हमारा यू हैव बीन साइन आउट। आप ध्यान से देखिएगा अब इस चीज़ को कैसा मैजिक है। इस पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए हमारा सेशन जो है वो आउट हो जाता है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी कितना बेस्ट चीज़ है लर्निंग करने के लिए, आप समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे एक REST API क्रिएट किए, उसमें हमने ऐड किया सिक्योरिटी डिपेंडेंसी टू सिक्योर द REST API। देन अभी हम देखने वाले हैं यूज द प्रॉपर्टी फाइल टू क्रिएट द कस्टम यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी कि जो हमारे लॉग में अभी पासवर्ड जनरेट हो रहा है और यूज़र नेम जो यूज़र है उसको ओवरराइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी फाइल में जाएंगे। इन यहाँ पर जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर जो है यूज़र नेम आता है एंड एक होता है यूज़र डॉट पासवर्ड करके, ठीक है। सो ये दोनों प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ एडमिन एंड पासवर्ड में करता हूँ एडमिन। और इस एप्लीकेशन को जब मैं रिस्टार्ट करूँगा तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जनरेट होके अभी मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडमिन एंड एडमिन स्पेसिफाई किया है एज अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अभी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं वेलकम एंड स्लैश एम्प्लॉयज़, यहाँ पे आता हूँ एडमिन, एडमिन साइन इन। देखिए मेरा एंड पॉइंट एक्सेसिबल हो रहा है। सेम चीज़ मैं पोस्टमैन से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको करता हूँ एडमिन, इसको करता हूँ मैं एडमिन और इसको करूँगा सेंड। जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा मेरा एंड पॉइंट एक्सेसिबल है। अभी देखिए जो एंड पॉइंट है ना इसको मैं करूँगा अगर चेंज, लेट्स इसको करता हूँ पहले लॉग आउट और मैं यहाँ पे कुछ भी वैलिड क्रेडेंशियल डाल दूँगा। सपोज एडमिन डालता हूँ, रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, साइन इन करूँगा वैलिड क्रेडेंशियल मिलेगा। अगर मैं लॉग में दिखाऊँ तो उधर भी मुझे जो है बेसिकली ये ऑटोमेटिकली बाहर ही हमें रोक दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीट, हमने थर्ड स्टेप भी कम्प्लीट कर लिया। अभी जो है हम लोग फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, क्रिएट अ स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग क्लास टू डिफाइन द पासवर्ड इनकोडर। पासवर्ड इनकोडर का काम होता है पासवर्ड को इनकोड करने के लिए, यानी कि इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट लॉजिक जो है इसके अंदर होता है। देन यूजर डिटेल सर्विस, हम लोग जो है दो यूज़र क्रिएट करेंगे, एक एडमिन रोल का एक नॉर्मल यूज़र का, और उसको हम लोग जो है डेटाबेस में स्टोर करेंगे इन मेमोरी डेटाबेस में। एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर हम लोग क्रिएट करेंगे टू ऑथेंटिकेट आवर यूज़र। ऑथेंटिकेशन मैनेजर हम लोग फ्यूचर में इसी कोड में यूज़ करने वाले हैं, बट अभी के लिए हम लोग ये तीन बीम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे फटाफट, एक हम लोग क्लास फाइल क्रिएट करते हैं, उसके पहले हम लोग एक पैकेज क्रिएट करेंगे कॉन्फिग करके। एंड यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट करूँगा स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग, ठीक है। सो स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एट द रेट कॉन्फिग्रेशन एंड रोशन से डिनोट करेंगे। एंड यहाँ पर टोटल तीन बीन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो पहला बीन रहेगा मेरा पासवर्ड इनकोडर का, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था पब्लिक पासवर्ड इनकोडर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो पासवर्ड इनकोडर यूज़ करेंगे वो हमारा रहने वाला है बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। सो यहाँ पे करूँगा रिटर्न न्यू बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, बस इतना ही करना होता है। ये मेरा पासवर्ड इनकोडर का कंसेप्ट हो गया। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन क्या बिहेवियर करता है। जैसे हम लोग हर एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखने वाले हैं, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं करूँगा यूज़र डिटेल्स जो कि मैंने आपको मेंशन किया था। सो यहाँ पे करूँगा मैं बीन क्रिएट पब्लिक यूज़र डिटेल्स सर्विस, यूज़र डिटेल सर्विस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। इन यहाँ पर मैं टोटल दो यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ। पहला रहेगा मेरा यूज़र डिटेल, एक एडमिन यूज़र रहेगा, एडमिन यूज़र, यूज़र डॉट बिल्डर, यूज़र डॉट बिल्डर किधर गया ये वाला। देन यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे यूज़र नेम, फिर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे पासवर्ड, देन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इसका रोल, और रोल में डाल देंगे हम लोग एडमिन, ठीक है। देन यहाँ पे करते हैं हम लोग यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन करते हैं, और इसको करते हैं हम लोग बिल्ड।
तो हमने यहाँ पे एक रोल क्रिएट कर दिया भैया। अभी हमारा दूसरा रोल क्रिएट करना है जो कि रहेगा मेरा यूज़र करके। सो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ मैं मॉडिफाई, ओके, इसको करता हूँ मैं यूज़र कॉपी पेस्ट एंड इसको करता हूँ मैं यूज़र नॉर्मल यूज़र, ठीक है, या फिर हम लोग इसको करते हैं नॉर्मल यूज़र। ये मेरा है एडमिन यूज़र। अभी देखिए जो दो यूज़र मैंने क्रिएट किया है उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए मैं जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा रिटर्न न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करें यानी कि वेयर आर को, तो मैं करता हूँ एडमिन यूज़र को यहाँ पर सेव, देन करता हूँ मैं नॉर्मल यूज़र को सेव। अभी देखिए इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर क्रिएट यूज़र करके मेथड है और ये यूजर डिटेल्स को एक्सेप्ट करता है। तो हमने सेम यहाँ पे यूजर डिटेल्स क्रिएट किए एंड उसको यहाँ पे हमने सेव कर लिया। सो दो बिन क्रिएट हो गया। अभी हमारा बचा है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको बंद करते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा @bin public ऑथेंटिकेशन मैनेजर ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ पर जो है एक क्लास होता है ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करके ये वाला क्लास एंड इसके अंदर जो है हमारा ऑथेंटिकेशन मैनेजर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग कर लेंगे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर बंद रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं। तो ये हमारा जो है एक क्लास फाइल क्रिएट हो गया है। तो हमने क्या कर लिया, क्रिएट अ स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग क्लास टू डिफाइन द बीन पासवर्ड इनकोडर यूजर डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है भैया। ये तो हमारा हो गया यहाँ तक क्रिएट। सो अगर हम लोग एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको एक बिहेवियर समझाता हूँ कैसे क्या होने वाला है। तो मैं ना यहाँ पे करूँगा सेम एंड पॉइंट को एक्सेस करूँगा वेलकम एंड एम्प्लॉयज़ करके ये वाला एंड हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड है ना हमें उसके लिए पहले जो हमने क्रिएट किया था इसको हम लोग करते हैं कमेंट और वापस से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हमारा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमने कर लिया रीस्टार्ट। अभी इसको मैं करता हूँ एक बार वापस से वेलकम एम्प्लॉयज़, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पे जो यूज़र नेम पासवर्ड था स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग के अंदर वो क्या था, एडमिन एडमिन। तो सेम चीज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ और साइन इन करता हूँ तो मुझे मिलता है बेड क्रेडेंशियल। अब ये क्यों मिला तो मैं आपको लॉग में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इनकोडेड पासवर्ड डज नॉट लुक लाइक बिग क्रिप्ट। अब ये क्यों आता है, बिकॉज हमने जो पासवर्ड यूज़ किया यहाँ पे वो रॉ पासवर्ड है। इसके लिए हमें जो बीन हमने क्रिएट किया था ना पासवर्ड इनकोडेड का ये यूज़ करना पड़ेगा देन डॉट इनकोड और इसके अंदर जो है हमें वैल्यू को पास करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें जो पासवर्ड को इनकोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं और फिर हम लोग जब एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे तो हमें जो बेड क्रेडेंशियल का मैसेज आया था वो मैसेज हमारा निकल जाएगा, उस एंड पॉइंट को हम लोग एक्सेस करके देख सकते हैं लिस्ट को, ठीक है। सो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मैं सेम वापस से एंड पॉइंट को एक्सेस करता हूँ वेलकम एम्प्लॉयज़ एंड एडमिन कॉपी पेस्ट साइन इन। देखिए हमारा एंड पॉइंट एक्सेसिबल हो चुका, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम तो हो चुका है। अभी जो है मेन हमारा JWT एंट्री पॉइंट है। तो इस कंसेप्ट को समझने के पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट है हमारे JWT एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हमारे पास 3 डिपेंडेंसी है। पहला है हमारा JWT API, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका है JSON यानी कि JSON फॉर्मेट का कन्वर्जन। तो टोटल 3 डिपेंडेंसी हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। करेंट वर्जन जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं 0.11.5, ठीक है। ये 3 हमें डिपेंडेंसी को हमारे प्रोजेक्ट्स में डाल देते हैं फटाक दे। pom.xml ओपन करते हैं, लेट्स डू दिस वन, ओके। यहाँ पे हम लोग करते हैं एंटर, यहाँ पे डालते हैं पेस्ट
एंड इस प्रोजेक्ट को सेव करके हम लोग यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे जो भी डिपेंडेंसी था वो सबको यहाँ पे लोड करके दे देगा, ठीक है। ओके, ये तो हमारा हो गया। एक बार वापस से कर लेते हैं भैया, जैसे कुछ भी मिस्टेक ना हो आगे चल के, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ने के पहले एक बार हम लोग JWT का जो वर्क फ्लो है वो समझ लेते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। क्लाइंट से जो है एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा कि भैया स्लैश ऑथेंटिकेट करके है जिसको मुझे अलाउ करो, वहाँ पर जो है मैं कुछ एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड करके, ठीक है। ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आपस से समझ में क्या आ जाएगा क्या है एक्चुअली। बस आप जस्ट ये फ्लो को समझ लीजिए कैसे चलता है। तो मैंने क्लाइंट से एक एंड पॉइंट हिट किया स्लैश ऑथेंटिकेट करके, जो कि है मेरा पोस्ट मेथड। अभी यहाँ पे सर्वर में क्या होगा, वैलिडेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, जनरेट द JWT यूजिंग सीक्रेट की। तो इसमें क्या होता है, जो भी मैंने यूजर नेम पासवर्ड पास किया उसके बेसिस पे एक मुझे JSON का जो है वो टोकन क्रिएट करके यूज़र को मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जितनी बार वो लॉगिन करेगा उतनी बार उसको यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट वो टोकन का यूज़ करके उसमें एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकता है। तो वैलिडेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसके बेसिस पे उसको टोकन दे दो एंड रिटर्न द जनरेटेड JWT। तो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे क्लाइंट के पास, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हम लोग एक एंड पॉइंट हिट करेंगे स्लैश हेलो, जो कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, कौन सा है हमारा एंड पॉइंट में जाते हैं, हमारा है एम्प्लॉय। तो सपोज अगर मैं स्लैश एम्प्लॉय करता हूँ तो वहाँ पर मुझे जो है JSON वेब टोकन का पास करना पड़ेगा इन अ हेडर ऑफ ऑथोराइजेशन। एक हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे ऑथोराइजेशन के अंदर एंड वहाँ पर हम लोग बेयरर टोकन पास करेंगे। सो वैलिडेट JWT यूजिंग सीक्रेट की एंड उसके बदले अगर सब कुछ प्रॉपर है तो हम लोग जो है रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो ये है हमारा एक बेसिक फ्लो और बेसिक आर्किटेक्चर। अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे मैंने बताया कि बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन लोड ऑल द JWT डिपेंडेंसी। अभी यहाँ पे मैंने एक लिंक भी स्पेसिफाई किया, आप लिंक को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर जो है JSON वेब टोकन का एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक देखेंगे इनकोडेड वर्जन, तो पेस्ट और टोकन है। बेसिकली ये क्या है, हमारा टोकन है जो कि हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे ना कि यहाँ से। एंड अल्गोरिदम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल अल्गोरिदम यहाँ पे प्रेजेंट है। हम लोग जो कोई भी अल्गोरिदम जो आपको कन्वीनियंट है वो यूज़ कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे एक 3 पार्ट्स है। तो पहला कलर देखते हैं, एक है रेड, दूसरा है पिंक और तीसरा है ब्लू कलर। ये क्या इंडिकेट करता है, सो हेडर जो है वो इंडिकेट करता है हमारा रेड कलर में एंड यहाँ पर जो है वो हम लोग अल्गोरिदम स्पेसिफाई करते हैं एंड उसका टाइप क्या है वो स्पेसिफाई करते हैं। सो जो भी अल्गोरिदम रहेगा वो स्पेसिफाई करेंगे एंड उसका टाइप क्या है वो स्पेसिफाई कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पर जो है पेलोड, यानी कि एक्चुअल डेटा जो हम लोग पास किए, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड जो पास करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पे JWT क्रिएट करने वाले हैं। और जो IAT यानी कि जो भी हमारा एक्सपायरी टाइम रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये सब हम लोग कोड में देखेंगे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। लास्ट हमारा सिग्नेचर क्रिएशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, यानी कि हेडर यूज़ करेंगे, पेलोड यूज़ करेंगे और कुछ सीक्रेट कोड यूज़ करेंगे जिसके बेसिस पे हमारा ये जो है एक इंकोडेड JSON वेब टोकन क्रिएट होता है। तो ये तो हमारा हो गया एक सिंपल ओवरव्यू कि कलर कोड का मेंशन क्या होता है। तो पहला होता है हमारा अपना हेडर, दूसरा होता है एक्चुअल पेलोड और तीसरा होता है हमारा कि हम लोग क्या सिग्नेचर यूज़ करने वाले हैं। ये सिग्नेचर जो है माने कि हम लोग कोड के थ्रू, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको मालूम करेंगे कि कौन सा सिग्नेचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए जस्ट ओवरव्यू आप समझ के रख लीजिए। सो ये भी हमारा हो गया, क्रिएट क्लास JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एंड इम्प्लीमेंट्स ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, यानी कि एक इंटरफेस है, एक हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे जो कि इम्प्लीमेंट्स करेगा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट का। अब इसका यूज़ क्या है इस क्लास का, तो ये क्या करेगा, मेथड ऑफ दिस क्लास इज कॉल्ड व्हेनेवर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू अनऑथेंटिकेटेड यूज़र ट्राइंग टू एक्सेस द रिसोर्स दैट रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन।
यानी कि हमारे पास एक ऐसा यूज़र है जो कि एक अनऑथेंटिकेट यूज़र है और वो ट्राई करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन को, तो उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो उसका हैंडलिंग जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा स्पेसिफिकली फॉर द JWT क्लास, यानी कि जो भी JWT रिलेटेड क्लास क्रिएट करेंगे वो सब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस क्लास का नाम देता हूँ, क्या है नाम मेरा, JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जस्ट जो भी नाम रखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट इंटरफेस को। सो इसको करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इम्प्लीमेंट्स ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, इसको कर लेंगे इम्पोर्ट। ये जो है हमारा रहेगा कंपोनेंट जिसे एप्लीकेशन स्टार्ट के टाइम पे लोड करना है, इम्प्लीमेंट्स द मेथड कमेंट्स। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा रेस्पॉन्स इनवैलिड रहेगा तो हम लोग कर देंगे सेट स्टेटस, यहाँ पर HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स डॉट अनऑथराइज करके होता है एक, यस दिस वन SC अनऑथराइज, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। और यहाँ से हम लोग जो है एक मैसेज भी रिटर्न कर देंगे जो यहाँ पे इस ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट राइटर राइटर इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, प्रिंट राइटर को कर लूँगा इम्पोर्ट, एंड देन राइटर डॉट प्रिंट LN ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग एक्सेस डिनाइड विथ एरर मैसेज, एंड यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन डॉट गेट मैसेज। ठीक है, इतना हो गया मेरा कंप्लीट। ओके, सो हमने जो है वो स्टेप नंबर 5 को भी इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अभी हमारा स्टेप है 6, यानी कि JWT हेल्पर विच इज़ यूज टू परफॉर्म एक्शन लाइक वैलिडेट टोकन एंड जनरेट टोकन, यानी कि हमारा यहाँ पे जो लॉजिक रहेगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जनरेट टोकन, यानी कि टोकन को जनरेट करेंगे, और जब यूज़र लॉगिन करने जाएगा उस टाइम पे हम लोग उस टोकन को वैलिडेट भी करेंगे। तो मैं आता हूँ JWT हेल्पर के अंदर, यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखने लायक है। तो पहले जो है मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट, एंड फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक्चुअल लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। जो कोड अगर टाइप करने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैंने आपको जस्ट प्रिपेयर करके दे दिया है कि इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट दे, और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको जो है हमें करना है @ कंपोनेंट से डेनोट। ओके, पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट, और जब हमारा ये कोड प्रॉपरली हो जाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस चीज़ का क्या मतलब है। हो गया JWT, इसको इंपोर्ट कर लिए, चलिए भाई सही जा रहा है हमारा, ये भी इंपोर्ट कर लिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए स्प्रिंग बूट का प्लेलिस्ट, मैंने बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट बना दिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा और भी अमेजिंग फ्री कोर्स प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, देन इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी मैं आपको कोड समझाता हूँ क्या है। सो ऊपर से चाले चालू करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे JWT टोकन वैलिडिटी। मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग JSON वेब टोकन का एक्सपायरी स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 60 60, इसका मतलब क्या है, 5 hours 60 minutes 60 seconds, बट हम लोग टाइम को स्पेसिफाई करते हैं मिली सेकेंड में कोड में। तो यहाँ पर मैं करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई, कन्वर्टिंग टू मिली सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन, यानी कि टोकन के बेसिस पे यूज़र नेम हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। गेट एक्सपायरेशन डेट फ्रॉम टोकन, यानी कि टोकन का एक्सपायर कभी हो रहा है वो भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। फिर हमारा गेट क्लेम फॉर टोकन, किसने उस टोकन को क्लेम किया वो मालूम कर सकते हैं। देन इस टोकन एक्सपायरी हुआ कि नहीं वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। टोकन को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मेन चीज़ हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, JWTS.builder किया, जहाँ पे मैंने क्लेम सेट किया,
सब्जेक्ट सेट किया सेट इशू 8, यानी कभी हमने इसको यूज़ कर रहे हैं, कभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सेट एक्सपायरेशन, कभी ये एक्सपायर होगा तो बेसिकली ये 5 घंटे में हमारा टोकन जो वो एक्सपायर होगा। फिर हम लोग साइन विथ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हमने एक स्पेसिफाई किया एल्गोरिथम जो कि हमारा जो है इस पेज पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना HS256, हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमने यूज़ किया है HS512। यहाँ पे देखते हैं HS512, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमने ये एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब कोई भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। 512 क्या इंडिकेट करता है, 512 मतलब जो हम लोग सीक्रेट स्पेसिफाई करेंगे ना ये 512 बीट से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतना वैल्यू टाइप कर देंगे ना तो हमारा सीक्रेट की जनरेट ही नहीं होगा। मैं आपको ये भी करके बताऊँगा कि आप प्रॉब्लम होता है अगर हम लोग सीक्रेट का लेंथ अगर बहुत ही स्मॉल रखेंगे तो जो भी हमने एल्गोरिथम स्पेसिफाई किया है उस लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमने स्पेसिफाई किया है 256, सो 256 बीट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग इस चीज़ को क्रिएट कर दे रहे हैं और ये हमारा वैलिडेट टोकन जिसका हम लोग यूज़ अभी करने वाले हैं फ्यूचर कोड में। तो हमारा जो है JWT हेल्पर क्लास क्रिएट हो गया है। अभी हमारा है नेक्स्ट JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर दैट एक्सटेंड वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, यानी कि एक रिक्वेस्ट को ऊपर हम लोग एक ही बार फिल्टर करेंगे और बाद में वो वही टोकन का यूज़ करके वो जो यूज़र है वो लॉगिन कर सकता है। एंड ओवरराइड्स द मेथड डू फिल्टर इंटरनल। तो हम लोग पहले तो सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं इस क्लास के डू फिल्टर इंटरनल मेथड का। तो पहले हम लोग जो है वो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक्सटेंड करेगा वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर JWT में न्यू क्लास, इसको हम लोग करते हैं एक्सटेंड वंस पर यूज़र रिक्वेस्ट फिल्टर। एंड जैसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे ये हमें करेगा इम्प्लीमेंट्स करने के लिए। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि एंट्री पॉइंट के अंदर कंपोनेंट स्पेसिफाई किए हैं, JWT हेल्पर के अंदर कंपोनेंट स्पेसिफाई किए हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर गए डू फिल्टर इंटरनल। अभी हमने कुछ यहाँ पे पहले तो हम लोग एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं कंपोनेंट करके। यहाँ पे जो है हमने जो JWT हेल्पर किया है, JWT एंट्री पॉइंट किया, उसको हमें ऑटो वायर करना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग उसको यहाँ पे ऑटो वायर कर लेते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग ऑटो वायर कर लेते हैं प्राइवेट JWT हेल्पर जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं JWT हेल्पर। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं @allArgumentConstructor @SLF4J यूज़ कर रहे हैं। अगर काम पड़ा तो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने कुछ एक स्टेप्स फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो गेट हेडर फ्रॉम द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन की ऑथोराइजेशन, मैंने आपको बताया था हम लोग कैसे पास करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग जो है एक हेडर है, हेडर के अंदर एक होता है ऑथोराइजेशन करके। सो इस ऑथोराइजेशन के अंदर हम लोग जो है वो पास करने वाले हैं अपना टोकन। ठीक है, ये वैल्यू जो रहेगा ये मेरा टोकन रहेगा जिसको मैं पास करके इस एंड पॉइंट को एक्सेस करूँगा। मैं बताऊँगा कैसे हमारा एक्सेस होता है टोकन का यूज़ करके। ठीक है, सो गेट टोकन फ्रॉम द हेडर देन वैलिडेट टोकन, अगर टोकन प्रॉपर है तो यूज़र नेम हम लोग फेच करके आएंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर में उस ऑथेंटिकेशन को सेट कर देंगे। पहले जो है हमारा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर का ऑथेंटिकेशन नल रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसको टोकन नहीं मिला रहेगा। तो अभी हम लोग जो है वन बाय वन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गेट हेडर फ्रॉम द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन की ऑथराइजेशन। सो उसके पहले जो है मैं यहाँ पे करता हूँ ऑटो वायर प्राइवेट यूज़र डिटेल सर्विस, बिकॉज हमें यूज़र नेम लेके आना है ना। यहाँ पे चेक करेंगे ना लोड, यहाँ पे गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन, तो यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस को ऑटो वायर करने की ज़रूरत है। यूज़र डिटेल सर्विस। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला है हमारा गेट हेडर फ्रॉम द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन की ऑथराइजेशन। तो मैं जो है ये लाइन ऑफ कोड कॉपी करता हूँ और इसको रिक्वेस्ट हेडर को पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे,
इसको बंद करते हैं, इसको हम लोग करते हैं बंद। ओके ठीक है। सो पहला स्टेप हो गया गेट रिक्वेस्ट हेडर फ्रॉम द हेडर ऑफ ऑथराइजेशन की, एंड देन यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यूज़र नेम एंड टोकन। एंड टोकन हम लोग कहाँ से निकालने वाले हैं, अपने रिक्वेस्ट हेडर से। तो बेसिकली रिक्वेस्ट हेडर में जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे वो रहेगा बेयरर टोकन। सो बेयरर टोकन और उसके बाद हम लोग पास करेंगे JWT। सो बेयरर टोकन को हम लोग वहाँ से निकाल देंगे और टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे लॉजिक हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग यूज़र नेम करके स्ट्रिंग टोकन, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट दिस पैकेज। ओके देखिए ये मेरा है रिक्वेस्ट हेडर नॉट इक्वल टू नल एंड रिक्वेस्ट हेडर डॉट स्टार्ट विद बेरर, यानी कि हम लोग एक सिक्योरिटी लेयर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर वो किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सपोज आपके पास टोकन है बट आपके पास टोकन होने के बावजूद भी उस टोकन के आगे हमें क्या अपेंड करके भेजना है वो आपको पता नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से बिगनर यानी कि अगर मेरे पास ऐसा है कुछ समोज BEARER बियरर और यहाँ पर मैंने टोकन पास कर दिया है, तो अब देखेंगे ना ये हो गया मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सबस्ट्रिंग किया है 7, यानी कि मैंने n स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं किया है और n इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, तो 7 से लेकर आगे के जितने भी टोकन रहेंगे सबको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इसके अंदर, टोकन के अंदर। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, JWT हेल्पर का यूज़ करके जो मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है इसका यूज़ करके मैंने इसके अंदर मेथड क्रिएट किया था गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन। सो इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना गेट ऑल क्लेम्स फ्रॉम टोकन, देन JWT और पार्सर डेट साइन इन की, यानी कि सीक्रेट जो हमने स्पेसिफाई किया है, और उसके बेसिस पे ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेगा और हमें जो यूज़र नेम रहेगा उसके अगेंस्ट वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर हम लोग अगर यूज़र नेम सपोज मैच नहीं किया तो अगर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा, सपोज अगर JWT टोकन एक्सपायर हो चुका है तो एक्सपायर्ड JWT एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर हमने JWT टोकन को कुछ मॉडिफाई कर दिए, अभी कुछ हम लोग ऐसा चीज़ कर रहे हैं हैक करने का, तो उस केस में मालफॉर्म JWT ऑथेंटिकेशन थ्रो करेगा, और लास्ट में हमने सुपर क्लास थ्रो कर दिया एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है बेसिकली रिक्वेस्ट हेडर को हैंडल कर लिया किस तरीके से हमारा प्रॉपरली चलता है। तो पहले हमने क्या किया, ऑथराइजेशन से ले लिए रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट हेडर से ले लिए टोकन को, टोकन के बेसिस पे हमने ले लिया यूज़र नेम। तो यहाँ तक हमारा कोड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट कोड है हमारा जहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का जो लॉजिक है यानी कि लोड एसोसिएटेड विद दिस टोकन, ओके दिस इज डन, सेट ऑथेंटिकेशन इन द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। सो इस कोड को मैं आपको कॉपी करता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज कोड अगर टाइप करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको टाइम भी बचाना है मेरा और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझाना है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, और नोट्स है आपका, तो आप जब भी आप चाहते हैं प्रिंटआउट लेना प्रिंटआउट ले लीजिए, कभी भी मन करता है आप रीड कर सकते हैं, मोबाइल में PDF फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज आपको इन हैंडी सारे नोट्स मिल रहे हैं। फिर मैं जो डिटेल्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, देन जो मेरा ऑथेंटिकेशन है एंड वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सो बेसिकली सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन इक्वल टू नल। तो पहला मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, वो नल रहेगा, बाद में हम यहाँ पे इस चीज़ को सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यूजर डिटेल से, यूजर डिटेल सर्विस में जो यूज़र नेम के बेसिस पे मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स लेके आ रहा हूँ, और यूजर डिटेल्स के बेसिस पे मैं टोकन को चेक कर रहा हूँ वो वैलिड टोकन है कि नहीं। अब इंटरनली जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे यूज़र नेम फ्रॉम टोकन लेके आएंगे, कैसे टोकन एक्सपायरी है कि नहीं एक्सपायरी, वो सारा लॉजिक हमें यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी देखिए यहाँ पर जो है वैलिडेट टोकन, अभी
जो यूज़र डिटेल्स लेके आ रहे हैं यूज़र नेम के बेसिस पे, तो यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है दो यूज़र क्रिएट किए थे। आपको ले जाता हूँ किधर है वो, अपना यूज़र डिटेल्स का किधर है, एम्प्लॉय सर्विस सिक्योरिटी, ओके यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज के अंदर मैंने दो यूज़र डिटेल्स क्रिएट किए हैं, तो इसके बेसिस पे ही हम लोग टोकन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जाते हैं बैक टू दैट पॉइंट, कहाँ गया अपना, ये है हमारा। ठीक है, सो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन इक्वल टू नल है, तो भैया क्या करो कि जो भी मेरा यूज़र नेम मैंने निकाला है टोकन नेम के बेसिस पे, उसके बेसिस पे मुझे डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, और वो डिटेल्स को मैं जो है टोकन है उसके साथ वापस से जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे टोकन जनरेट करूँगा, और वो टोकन और ये टोकन को कंपेयर करूँगा, अगर टोकन प्रॉपर है तो मेरा वैलिड टोकन आ जाएगा ट्रू। इन शॉर्ट कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि तो मैंने जो टोकन जनरेट किया था वो भी मैंने यूजर डिटेल्स के बेसिस पे जनरेट किया था, और जो वेरीफाई करूँगा वापस से मैं टोकन जनरेट करूँगा उस टोकन को, और जो टोकन मेरे पास है उस टोकन को कंपेयर करूँगा, और अगर प्रॉपर रहेगा तो वैलिडेट टोकन मेरा रहेगा ट्रू, अगर नहीं है तो वैलिडेशन मेरा फेल हो जाएगा और उसको मैं मैसेज यहाँ पर दिखा दूँगा। ठीक है, टोकन अगर वैलिड है तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ यूज़र डिटेल्स, क्रेडेंशियल में कुछ नहीं पास करूँगा, और यहाँ पर पास कर रहा हूँ ऑथोरिटी यानी कि कौन सा रोल रहेगा, एंड देन ऑथेंटिकेशन डॉट सेट डिटेल्स, यहाँ पे वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स के अंदर जो भी रिक्वेस्ट रहेगा उसको मैं बिल्ड करूँगा, एंड देन इस ऑथेंटिकेशन को मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। तो इस तरीके से जो है मेरा जो है फिल्टर का मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये लॉजिक काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट होता है इस क्लास फाइल के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि मेरा है सिक्योरिटी फिल्टर कॉन्फिग। अब ये क्या है, सो बेसिकली जो भी हमारा रिक्वेस्ट आएगा उसको हम लोग किस तरीके से वैलिडेट करने हैं स्प्रिंग बूट 6 का कंसेप्ट यूज करके, उसके लिए मैंने सिक्योरिटी फिल्टर कॉन्फिग यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने क्रिएट करूँगा, एंड वहाँ पर जो भी CSRF रिलेटेड है, CORS रिलेटेड है, HTTP ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को किस तरीके से वैलिडेट करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से करेंगे, सेशन मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब देख सकते हैं ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, सेशन मैनेजमेंट हो गया, और फिर बाद में हमें क्या चीज़ें फिल्टर उसके पहले क्या करना है, फिल्टर के बिफोर क्या करना है, वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये क्लास फाइल इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कॉन्फिग के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास फाइल क्रिएट करूँगा, एंड ये जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन। हमारा ऑलमोस्ट जो है हमारा फाइल क्रिएट हो गया, ज़्यादा अभी बाकी नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करना है। तो मैं करूँगा @bin then public security filter chain, यहाँ पे करूँगा HTTP security then security and open and close brackets के अंदर मैं return कर दूँगा security.csrf, एंड यहाँ पे करूँगा csrf को disable, csrf.disable बिकॉज हमें इसको implement नहीं करना है इस project के अंदर। CSRF जब करेंगे ना तो हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ता है, तो एड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। देन CORS चाहते हैं तो CORS को भी डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, देन हमारा यहाँ पे आता है HTTP रिक्वेस्ट यानी कि ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पे ऑथराइज डॉट रिक्वेस्ट मैच। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। कौन सा एंड पॉइंट, मैंने आपको बताया था /authenticate। ठीक है, तो /authenticate करके मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट का कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। अभी के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे रहेगा मेरा /authenticate। ठीक है, /authenticate का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, authenticate ओके। तो ऑथराइजेशन डॉट रिक्वेस्ट मैचर और ऑथेंटिकेट डॉट परमिट ऑल,
इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं इसको एंड पॉइंट को एक्सेस करूँगा तो उस टाइम पे ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, उसको परमिट करेंगे यानी कि उसको अलाउ करेंगे। डॉट एनी रिक्वेस्ट, इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको मैं करूँगा ऑथेंटिकेट। ठीक है, ये मेरा हो गया डॉट। यहाँ पर जो है आप यूज़ कर सकते हैं लाइक एड फिल्टर बिफोर है, बट उसके पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के लिए जो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैंने एक क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, जो कि मैंने एक्सेप्शन एससी अनऑथराइज, तो इसको मैं यहाँ पे ऑटोवायर करना पड़ेगा। तो लेट्स ऑटोवायर दैट वन। प्राइवेट जेडब्ल्यू ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, इसको हम लोग करते हैं इम्पोर्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मुझे वो यूज़ करना है और फिल्टर मैकेनिज्म को भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस क्लास फाइल को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे करूँगा मैं प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर एंड इसको मैं कर लेता हूँ ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे करूँगा ex डॉट देन ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एक्सेप्शन हैंडलिंग करके कुछ है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो हमें सजेस्ट करा था एंट्री पॉइंट, वो मैं यहाँ पे पॉइंट को स्पेसिफाई कर दूंगा। एंड देन आप देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद सेशन मैनेजमेंट, आप ये ध्यान दीजिए JWT जो है वो होता है स्टेटलेस। सो सेशन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा यूजिंग सेशन मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो सेशन डॉट क्रिएट सेशन पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी जो क्रिएट करेंगे वो मेरा रहेगा स्टेटलेस। तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट सेशन मैनेजमेंट सेशन देन सेशन डॉट करेंगे सेशन क्रिएट पॉलिसी, लेट क्रिएट दिस वन सेशन क्रिएट पॉलिसी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे एक स्टेटलेस। ओके, ये मेरा हो गया कंप्लीट। देन इसके बाद हम लोग करेंगे फिल्टर का यूज़, एज फिल्टर बिफोर, जिसमें फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा फिल्टर, सेकंड आर्गुमेंट रहेगा कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो एक यूज़र नेम पासवर्ड के होता है वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको करते हैं यूज़ फिल्टर कॉमा देन यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, ये वाला फिल्टर ऑथेंटिकेशन क्लास जो है उसको हम लोग कर देंगे यूज़। ये सब होने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे बिल्ड। ठीक है, तो टोटल हम लोग कर लिए CURL ऑथेंटिकेशन HTTP रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया सेशन मैनेजमेंट एड फिल्टर बिफोर। तो अभी हम लोग कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, हमने ये भी कर लिया ये भी कर लिए, सब कुछ डन है। तो यहाँ तक हमारा कोड तो कंप्लीट हो गया है। फिर अभी देखिए JWT रिक्वेस्ट क्या होता है और JWT रिस्पॉन्स क्या हो गया। तो हम लोग अगर स्टेप्स में जाएंगे यहाँ पे टॉप पे, सो हमने फिल्टर भी इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, सिक्योरिटी फिल्टर कॉन्फिग भी इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अभी हमें जस्ट दो स्टेप इम्प्लीमेंट करना है और आप सब जो है वो JWT ऑथेंटिकेशन को सीख लेंगे बेस्ट वे में। ठीक है, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कहाँ से प्रेजेंट है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। सो JWT रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, JWT रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो मैं फटाते जाता हूँ यहाँ पे अपने इसके अंदर मॉडल में हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो न्यू क्लास JWT रिक्वेस्ट एंड इस रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग पास करेंगे दो प्रॉपर्टी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, यानी कि जो हमने यूजर डिटेल्स के अंदर क्रिएट किए हैं ना वो एज अ रिक्वेस्ट पास करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम लोग JSON टोकन जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ @getter का यूज़, @setter का यूज़, @allArgumentConstructor, @noArgumentConstructor और @toString चल दो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इतना क्रिएट। अभी मैं करता हूँ JWT रिक्वेस्ट हो गया, JWT रेस्पॉन्स फाइल क्रिएट करता हूँ, JWT रेस्पॉन्स फाइल रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्स में मैं जो है आइदर टोकन रन कर सकता हूँ या फिर टोकन और JWT का जो यूज़र नेम है वो भी रन कर सकता हूँ कि हाँ इस यूज़र नेम के अगेंस्ट ये मेरा टोकन जनरेट हुआ है। तो उसके लिए ना अच्छा रहेगा बिकॉज हमें मालूम पड़ेगा कि किसके अगेंस्ट जो है हमने टोकन जनरेट किया है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग JWT टोकन दोनों चीज़ को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग @getter यूज़ करते हैं, @setter यूज़ करते हैं, @allArgumentConstructor,
@NoArgumentConstructor @builder का यूज़ होगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो है हम लोग जब रेस्पॉन्स प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में हम लोग बिल्डर क्लास का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्रिएट। अभी जो लास्ट स्टेप्स हमारा बचा है वो क्या है, ऑथेंटिकेटर कंट्रोलर क्रिएट करना, यानी कि JWT ऑथेंटिकेशन। ये कंट्रोलर क्या रहेगा मेरा, आपको अगर याद रहेगा ये हमारा है पोस्ट मैपिंग का, जहाँ पे हम लोग जो है स्लेस ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जेसन रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग वहाँ से टोकन जनरेट करके रेस्पॉन्स में देंगे JWT रेस्पॉन्स के थ्रू। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट स्टेप से हमारा। सो क्रिएट अ क्लास JWT ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। ठीक है, क्या है, एक्सपोज अ पोस्ट API स्लेस ऑथेंटिकेट यूजिंग द JWT ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। द पोस्ट API गेट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द बॉडी यूजिंग स्प्रिंग ऑथेंटिकेशन मैनेजर। वी ऑथेंटिकेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ द क्रेडेंशियल आर वैलिड। अ JWT टोकन इज क्रिएटेड यूजिंग द JWT टोकन एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो हमारा हेल्पर है उसके थ्रू हम लोग जनरेट टोकन का मेथड प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे एंड प्रोवाइड टू द क्लाइंट इज अ रेस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक ऑथेंटिकेट एंड पॉइंट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं एक क्लास फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने कंट्रोलर पैकेज के अंदर, और ये सोर्स कोड मैं आपको गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे करता हूँ रेस कंट्रोलर एंड यहाँ पे कर लेता हूँ @AllArgumentConstructor, बिकॉज मुझे जो है वो यूजर डिटेल्स को, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को और JWT हेल्पर को ऑटोवायर करना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़। एंड इसको मैं कर लेता इम्पोर्ट, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कर लेता इम्पोर्ट एंड JWT हेल्पर कर लेता है इम्पोर्ट। एंड इसके अंदर मैं आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे जनरेट टोकन मेथड है जहाँ से हम लोग टोकन को जनरेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग करते हैं पोस्ट मैपिंग को यूज़, एंड जो हमारा एंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्लेस ऑथेंटिकेटर। ठीक है, हो गया मेरा, बहुत ही सिंपल टिप्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे। JWT एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको एकदम चिंदी और पपलू लग रहा होगा, है कि नहीं। सो इसी बात पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पर जो है मैं JWT रेस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, देन करूंगा मैं लॉग इन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेप्ट करूंगा। क्या करूंगा, रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सेप्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट बॉडी क्या होने वाला है मेरा, JWT रिक्वेस्ट। ठीक है भैया, ये हो गया। अभी जो है यहाँ पर पहले जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेट, फिर हम लोग यूजर डिटेल्स का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने जहाँ पे मेथड क्रिएट किया है इसको करेंगे यूज़। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या मेथड है। तो पहले हम लोग इसको करते हैं कॉपी, यानी कि इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लिए इसको बंद करते हैं। देखिए जो डू ऑथेंटिकेट है वहाँ पर ईमेल, यानी कि हम लोग बेसिकली जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का हम लोग यहाँ पे पास करेंगे यूज़र नेम पास करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग this.authenticate और पास कर देंगे request.getusername, request.getpassword, बिकॉज JWT के अंदर दो पैरामीटर हमारा प्रेजेंट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये दोनों को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम पास करते हैं, तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हमने कहीं पे यूज़ किया है जहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स को सेव किया है, तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, बिकॉज जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लिया। फिर हम लोग मैनेजर तो ऑथेंटिकेट करेंगे, बिकॉज ऑथेंटिकेशन के अंदर ऑलरेडी हमने उसको सेव कर लिया था जब हमने टोकन पास किया था। अब समझ गए होंगे मेरा कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखेंगे आप, मैं आपको वापस से बताता हूँ। यहाँ पर जो मैं यूजर डिटेल्स रिट्राइव किया था यूजर नेम की बेसिस पे, उसको मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया ऑथेंटिकेशन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर मुझे सेम चीज़ मिलेगा। कहाँ गया वो, कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ मुझे मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है,
इतना हो गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट में यूज़र नेम है उसके बेसिस पे हम लोग एड्रेस को लोड कर रहे हैं, टोकन को जनरेट कर रहे हैं, और वो जो टोकन जनरेट होगा यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड के बेसिस पे उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी करता हूँ बिकॉज सिंपल सा कोड है, सो अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। यहाँ पे करते हैं http status डॉट ओके। अभी मैं कंसेप्ट वापस से समझा देता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट के बेसिस पे यूज़र नेम लेके आया, उसके बेसिस पे डिटेल्स लेके आया, डिटेल्स के बेसिस पे जो है मुझे टोकन जनरेट होकर मिल जाएगा और इस टोकन को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अभी हमें जस्ट इस एप्लीकेशन को रन करना है और पोस्टमैन के थ्रू एंड पॉइंट को टेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक चीज़ को क्लोज करता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास फाइल है, एक कंट्रोलर है, और ये तीन क्लास फाइल को हमें टेस्ट करना है, मतलब एंड पॉइंट को टेस्ट करना है। एप्लीकेशन को करते हैं रन, लेट्स सी हमारा एप्लीकेशन होपफुली प्रॉपरली चल जाए। काफ़ी मेहनत की हमने सारे मिल के इस वीडियो के ऊपर। सो पोस्टमैन में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है इसको डिसेबल करते हैं और इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। सो ये प्रॉपरली हमारा नहीं चल रहा है। ओके, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पर जो है फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर हमने यूज़ नहीं किया था भाई, इसको बंद करते हैं, ठीक है, इसलिए वो एंड पॉइंट पे नहीं जा रहा है डू फिल्टर। एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे जो भी हमारा था, यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया था तो मुझे ध्यान है, हम लोग रिक्वेस्ट का वहाँ रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कि इतने बड़े कोड में एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, बट ठीक है हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सो अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा टोकन जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। सो यस गाइस, हमने वी आर डिड इट। तो कंग्रेचुलेशन जरूर बोलिए अपने कमेंट सेक्शन में हमारे, और जितना होता है उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इस टोकन का हम लोग यूज़ करेंगे नए रिक्वेस्ट में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेलकम एम्प्लॉयज़ जो है ना ऑथोराइजेशन हेडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा ऑथोराइजेशन, एंड यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हम लोग, बियरर स्टार्ट में यूज़ करेंगे, फिर हम लोग पास करेंगे टोकन, और यहाँ पर हम लोग जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें यह चीज़ मिल जाएगा। अगर सपोज इसको मैं करता हूँ वन अपेंड कर देता हूँ और सेंड पे क्लिक करूँगा, देखिए एक्सेस डिनाइड विथ एरर मैसेज, फुल ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स, यानी कि हमें उस टोकन के बेसिस पे एक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर सपोज एक दूसरा यूज़र है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, हमारा तो एक नॉर्मल यूज़र था, तो लोकल होस्ट ऑथेंटिकेट और यहाँ पर बॉडी के अंदर रॉ पे क्लिक करेंगे एंड जेसन के अंदर। सो ये जो बॉडी है इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं पास करता हूँ यूज़र एज अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी यूज़र, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है। आप देखेंगे सिक्योरिटी फिल्टर कॉन्फिग में मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग जो है वो टोकन जनरेट करते हैं और इस टोकन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट टैप करते हैं, यहाँ पर हेडर के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सेंड पे क्लिक करूँगा, देखिए जो डिटेल्स यहाँ पे मिल चुका है। सपोज़ मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र वन और यूज़र वन, और फिर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, देखिए एक्सेस डिनाइड विथ एरर, क्रेडेंशियल इनवैलिड, समझ रहे हैं, यानी कि हम लोग जो यूज़र ने पासवर्ड डाले वो डेटाबेस में एग्जिस्ट होना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी फिल्टर कॉन्फिग के अंदर वो क्रिएट होना चाहिए। अगर वो क्रिएट नहीं रहेगा तो हमारा जो टोकन ही जनरेट नहीं होगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वही होता है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वैलिडेट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अगर वो प्रॉपर है देन जनरेट द JWT यूजिंग सीक्रेट की। अभी सीक्रेट का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, जो कि आपको बता रहा था कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अभी देखिए जो सीक्रेट की का जो लॉजिक था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसको करता हूँ मैं छोटा, इतना कर देता हूँ। सपोज मैं करता हूँ कोड मिथ कर देता हूँ, जैसे मैं कोड मिथ करूँगा एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा तो जो टोकन हमारा जनरेट होता वो हमारा टोकन अभी जनरेट नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेम एंड पॉइंट है
अभी देखिए इसको मैं करता हूँ यूज़र, इसको मैं करता हूँ यूज़र और सेंड पे क्लिक करूँगा। एक्सेस डिनाइड विथ एरर मैसेज। अभी हम लोग लॉग में जाएंगे ना तो मैं आपको लॉग में प्रॉपरली मालूम पड़ेगा कि क्या रीज़न है। देखिए द साइनर की इज 48 bits विच इज नॉट सिक्योर इनफ फॉर HS512 algorithm। दैट मीन्स तो इसका लेंथ जो है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 512 bits होना चाहिए। तो जैसे इसको मैं अंडू करूँगा और इसका लेंथ वापस से रोल बैक करूँगा और इसको रिस्टार्ट करूँगा तो वापस से हमारा टोकन जनरेट होना चालू हो जाएगा उस यूजर नेम एंड पासवर्ड के अगेंस्ट। देखिए हो गया मेरा जनरेट। आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जितना मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं उतना सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। सो ये नोट्स का मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर और जो सोर्स कोड हमने इम्प्लीमेंट किया था सेम सोर्स कोड मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड करूंगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। जय।